तो दोस्तों, जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता बल्कि आपकी अनमोल जीवन का एक दिन भी ढल जाता है। इसके साथ साथ अगर अतीत में आपको कोई कड़वे अनुभव मिले हैं तो उनको अपने जीवन की एक गाइडलाइन मत बनाओ कि जो पहले हो गया वही अब होगा, वही आगे होगा, क्योंकि आपको एक चीज पता है कि पतझड़ के बाद हमेशा बसंत ही आता है। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमित शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है मई 27, 2019 और डे है मंडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एडुकेटर हूँ। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं UPSC कैटेगरी में डेली करंट अफेयर्स शो लेकर आता हूँ। तो अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड aman.sharma का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा डिस्काउंट, सबसे ज़्यादा बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, कल का सवाल था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द छागोज आर्किपेलागो। तीन स्टेटमेंट आप लोगों के लिए सामने रखी थी और आपको बताना था कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, आपको नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट बतानी थी। तो इस पूरे जो सवाल था इसका जवाब है बी, 2 और 3, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट थी। इनमें से सिर्फ पहली स्टेटमेंट ही सही स्टेटमेंट थी, जो कि कह रही थी कि UK रिटेन्ड सोवेरेनिटी ओवर द आइलैंड आफ्टर मॉरिशियस गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1968। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो आइलैंड है इसको डिफेंस पर्पस के लिए UK एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल करता है और UK ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है ऑन द आइलैंड ऑफ डियागो ग्रेशिया। देखो, यहाँ पे जो एक्सक्लूसिवली शब्द का इस्तेमाल है ये गलत है, क्योंकि UK के साथ US का भी यहाँ पर बेस है। साथ ही तीसरी जो स्टेटमेंट है वो कह रही है कि इंडिया ने वोटिंग से अपने आप को एब्सट्रेन कर लिया था इन द क्लेमिंग ऑफ सॉवरेनिटी बाय द मॉरिशियस इन द रीसेंट वोटिंग, जो कि UN जनरल असेंबली के रिजोल्यूशन के अंदर हुई। कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखो कि छागोज आर्किपेलागो इंडियन ओशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा छागोज आर्किपेलागो और यहाँ पे इंडिया वॉज अमंग 116 नेशंस जिन्होंने UN जनरल असेंबली के उस रिजोल्यूशन के फेवर में वोट किया जहाँ पे डिमांड की जा रही थी कि UK अपना जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है छागोज आर्किपेलागो के ऊपर उसको रिमूव कर ले, उसे हटा ले, और मॉरिशियस के पास यहाँ पर सोवेरिनिटी होनी चाहिए छागोज आर्किपेलागो से लिंक करते हुए। साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि UK रिटेन सोवरेनिटी ओवर द आइलैंड आफ्टर मॉरिशियस गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन इन 1968, और ये जो आइलैंड है इसका इस्तेमाल यहाँ पर डिफेंस पर्पस के लिए UK और यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा किया जा रहा है, जिन दो देशों ने अपने मिलिट्री बेस आइलैंड ऑफ डियागो ग्रेशिया के अंदर एस्टैब्लिश किए हुए हैं। जो भी यहाँ पर पॉपुलेशन है छागोज आर्किपेलागो के अंदर, इट वॉज फोर्सिबली रिमूव्ड फ्रॉम द टेरिटरी बिटवीन 1967 एंड 1973 एंड उनको फिर वहाँ पे रिटर्न भी नहीं करने दिया। तो ये आपके लिए कल के सवाल का एक्सप्लेनेशन था। आपके लिए आज का सवाल है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करेंटली इलेक्टेड लोकसभा। तो करेंटली जो इलेक्ट हुई है लोकसभा, हमारी 17th लोकसभा, उससे रिलेटेड आपके लिए तीन स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है कि जो 17th लोकसभा है इट वुड हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेटिव सिंस इंडिपेंडेंस। महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है एज परसेंटेज वो अभी तक सबसे ज़्यादा है और 14.4% वो हैं पूरे के पूरे स्ट्रेंथ की। दूसरी स्टेटमेंट है, हाउएवर, जो सक्सेस रेट है फीमेल कैंडिडेट का इट हैव केम डाउन देन देयर मेल काउंटर पार्ट सिंस प्रीवियस इलेक्शंस। और तीसरी स्टेटमेंट है कि इट इज़ द रीजनल पार्टीज हैं जिनकी वजह से जो हायर रेशियो है वुमेन MPs का वो हम लोग को बूस्ट होता हुआ नजर आया है नई लोकसभा के अंदर। आपके लिए ऑप्शंस हैं A1 और 2 ओनली, B2 और 3 ओनली, C1 और 3 ओनली, या D ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करने से पहले कल टेलीग्राम लिंक पे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा गया, वो था नीर और रीर के बारे में। इकोनॉमी से रिलेटेड ये दो टर्म है कि नीर और रीर, और सवाल ये था कि असलियत में ये नीर और रीर होते क्या हैं, किस तरीके से ये नीर और रीर वर्क करते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सी चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो ये जो दो शब्द हैं, एक तो है ये नॉमिनल और दूसरा जो शब्द है वो है रियल। हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हो, GDP हो या एक्सचेंज रेट हो, उसमें हमें बार बार ये दो शब्द दिखाई देते हैं, एक है नॉमिनल, एक है रियल।
देखो नॉमिनल के अंदर हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जब भी हम लोग नॉमिनल के साथ इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो हम लोग एक रियल वाली साइड पे पहुंच जाते हैं कि रियलिटी क्या है। इसी तरीके से जब हम लोग नॉमिनल जीडीपी के बारे में बात करते हैं और नॉमिनल जीडीपी को हम लोग जब इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देते हैं तो हम लोग रियल जीडीपी पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से हमारे जो एक्सचेंज रेट्स होते हैं, आप लोग देखते होंगे कि डॉलर कभी 70 रुपये है, कभी 69 रुपीज़ है, तो वो जो एक्सचेंज रेट्स हैं, क्या उन एक्सचेंज रेट्स को भी हम लोग इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं? क्या उनको भी हम लोग नॉमिनल और रियल थिंग्स के बीच में डिवाइड कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा फैक्टर है जिस बेसिस पे हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं नीर को और रीर को। तो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट असलियत में ये है क्या? देखो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वेटेड एवरेज होता है बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स का ऑफ द होम करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। जैसे आप लोग देखते होंगे कि यूएस डॉलर का रेट चल रहा है रुपी के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 69 रुपीज़ चल रहा है। ओके 69 रुपीज़ आज की रेट में 1 डॉलर की कीमत है। अब उसको अगर हम लोग इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दें, मतलब इसको मैं कह सकता हूँ कि ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट है हमारा यूएस के साथ, अगर मैं इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर दूँ तो मैं रियल पे पहुँच जाऊँगा। कैसे करूँगा मैं एक्सचेंज रेट को एडजस्ट? जो नॉमिनल होगा उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन है जिसको हम लोग सीपीआई के बेसिस पे देखते हैं, मैं डिवाइड कर दूंगा उसको यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसके साथ, तो मैं एक रियल एक्सचेंज रेट की तरफ पहुँच जाऊँगा। अब जब हम लोग बहुत सारी करेंसीज को एक ही डब्बे में डालकर एक साथ मिलाकर और यहाँ पर एक एक्सचेंज रेट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं नॉमिनल बेसिस पे, तो उसको हम लोग नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये? ये एक वेटेड एवरेज है बायलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट्स का जो हमारी होम करेंसी की बाकी सारी फॉरेन करेंसीज के साथ निकाली जाती हैं। इट इज़ द एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज दैट इज वेटेड अकॉर्डिंग टू द ट्रेड विद ईच कंट्री नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, बट इसको इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट अभी तक नहीं किया है। जब इसी पर्टिकुलर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को हम लोग इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट कर देंगे तो हम लोग रियल वाली साइड पर पहुँच जाएंगे। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज द वेटेड एवरेज ऑफ अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। तो जो रीर होता है उसको हम लोग नीर के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही जो रीर होता है वो इन्फ्लेशन को कैप्चर करता है जो कि इंडिया और जो इंडिया के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में हम लोग देखते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। जो क्रॉस करेंसी एक्सचेंज रेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट फेनोमेना जो आप लोग याद रखोगे वो ये है कि अगर हमारी जो रीर है उसकी वैल्यू 100 से ऊपर आती है, 100 से ऊपर आती है, तो हम कहते हैं कि हमारी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यूड है। मतलब अगर मान लो हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो 69 रुपीज़ का 1 डॉलर है और हम कह रहे हैं कि जिसका रीर निकालने बैठे तो वो हमारा 100 से ऊपर आता है, हम कहेंगे यार हमारी तो औकात 69 की भी नहीं है, मतलब जो असलियत में रेट होना चाहिए वो 100-150 होना चाहिए था। ओके तो ये रीर का कॉन्सेप्ट है। और अगर रीर की वैल्यू यहाँ पे कम आती है 100 से तो हम लोग कहते हैं कि अंडर वैल्यूड है, कि एक अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू किया हुआ है, बचाने के लिए किया हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी। तो अगर आपको समझ आया होगा, जिन लोगों ने मेरे को कमेंट किया था, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने अपने कमेंट डालना बिल्कुल मत भूलना कि आपको चीज़ें अच्छी आ गई हैं, समझ में आ गई हैं। शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। सबसे पहले पेज नंबर 1 आपको खबर मिलती है, एंडिंग टेरर मस्ट फॉर रीजनल पीस मोदी टेल्स इमरान खान। तो यहाँ पे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक विक्टोरियस मैंडेट मिला है उसके बाद बहुत सारे फॉरेन लीडर्स कॉल करके बधाई दे रहे हैं। उसी बीच पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कॉल भी आया और ये टेलीफोन कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये पहला टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट था बिटवीन द टू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द पुलवामा टेरर अटैक विच वॉज हेल्ड ऑन 14th of February 2019। और इंडिया ने उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, उसके बाद कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉर्मल टॉक नहीं हुई, खासकर दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में। बात यहां पर फिर से उठाई गई टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर कि एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म बहुत ज़रूरी है रीजनल पीस के लिए और डेवलपमेंट के लिए। इस चीज़ को साफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
इमरान खान जी को बोल दिया। साथ ही ये चीज़ बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इनिशिएटिव को रिकलेक्ट किया है जो कि है नेबरहुड फर्स्ट, जिसको पहली बार उन्होंने अपने टेन्योर के अंदर 2014-2019 के टेन्योर के अंदर स्टार्ट किया था। पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि इमरान खान रिट्रेटेड हिज विजन फॉर द पीस प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इन साउथ एशिया ड्यूरिंग द फोन कॉल, और इन चीज़ों को बताया गया। पेज नंबर 13 पे इसी से रिलेटेड एक और खबर मिलती है कि सेंटर लाइकली टू रिटेन जम्मू एंड कश्मीर स्टैंड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि जब से 2014 के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट आई उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा माहौल बदलता हुआ नज़र आया। जो इंडियन आर्मी है उसको थोड़ी सी इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड की गई। तो जिस तरीके से बीजेपी लेड यूनियन गवर्नमेंट चाहती थी कि यहाँ पे सेपरेटिस्ट को इन्वॉल्व किया जाए इन द कश्मीर वैली डायलॉग प्रोसेस के अंदर, और ये जो डायलॉग प्रोसेस हो इसे पब्लिकली भी एग्नॉलेज किया जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। अब बीजेपी फिर से पावर में आ गई है, सेंटर की जो पॉलिसी है वो कश्मीर से रिलेट करते हुए वही रहने वाली है। कोई हम लोगों को इसमें बड़ा शिफ्ट या कोई बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन के अंदर शिफ्ट नहीं देखने को मिलेगा। अभी जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उसी तरीके से ऑपरेशंस चलते रहेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि कितने सारे टेररिस्ट को यहाँ पे मारा गया, ओके, मिलिटेंट कमांडर जाकिर मूसा को भी मार दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छी खबर है कि वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं वो कम हो रहे हैं, वहाँ पे पीस एंड स्टेबिलिटी की तरफ जम्मू एंड कश्मीर आगे बढ़ रहा है। करेंटली जम्मू एंड कश्मीर प्रेजिडेंट्स रूल के अंदर है और बहुत जल्दी असेंबली इलेक्शन भी हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इस साल की बात करें, 2019 की बात करें, तो 91 टेररिस्ट हैव बीन किल्ड इन 67 एनकाउंटर्स जो कि 2019 के अंदर हुए। यहाँ पर जो के विजय कुमार हैं जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने बोला कि देवर रीचिंग आउट टू द पीपल एंड ड्यू टू देयर एफर्ट जो रिक्रूटमेंट है वो अभी ऑल टाइम लो रहा है। यहाँ पर सिचुएशंस को टर्न ऑन करने की कोशिश की जा रही है, ये किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहते हैं, सबको रिमांड में नहीं लेना चाहते हैं, पर जो यूथ हैं वो स्टोन थ्रोइंग के अंदर अगर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ इमीडिएट एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बट उन्हें समझाने के बावजूद भी उनके कम्युनिटी मेंबर्स को, रिलीजियस टीचर्स को, कम्युनिटी एल्डर्स को, फैमिली मेंबर्स को यहाँ से समझाने के बावजूद भी अगर वो ये सब नहीं करते हैं तभी उनके ऊपर एक बड़ा कदम उठाया जाता है। ना 5 months into 2019 जो रिक्रूटमेंट है इट इज नॉट मोर देन 33। तो एक अच्छी बात है कि जो यहाँ पर जो मिलिटेंट्स जो वहाँ के यूथ को बहका के रिक्रूट करते थे, ओके, उनको उनके हमें कमी देखने को मिली है। तो ऑफ द 33 रिक्रूटेड 4 वर अरेस्टेड एंड 3 वर वीन्ड अवे फ्रॉम मिलिटेंसी थ्रू काउंसलिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। उन्हें यहाँ पे बताया गया कि पुलवामा और कुलगाम के अंदर जो रिक्रूटमेंट है वो अभी सिंगल डिजिट के अंदर है। तो ये बहुत अच्छी खबर है कि जो पत्थरबाज हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पेज नंबर 13 पे एक और आपको आर्टिकल मिलता है, पाकिस्तान अलाउ सुषमाज ओवर फ्लाइट ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर गई थी बिश्केक उज़्बेकिस्तान के अंदर। अब वहाँ पे जाने के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस को पास करना था और पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस पुलवामा अटैक के बाद क्लोज कर रखा है, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर कंट्री हैं जो कि पाकिस्तान के एयर स्पेस को असेस कर पा रही हैं। तो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात हुई थी, द परमिशन फॉर मिस स्वराज केम इवन एज थाउजेंड्स ऑफ ट्रैवलर्स कंटिन्यू टू सफर फ्लाइट कैंसिलेशन। और यहाँ पे सुषमा स्वराज जी का जो एयरक्राफ्ट है वो पास होने दिया था पाकिस्तान के एयर स्पेस के ऊपर से। पेज नंबर 1 पे फिर से वापस आएंगे, जगन मीट्स पीएम सीक्स स्पेशल स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट YS जगन मोहन रेड्डी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और उन्होंने बोला कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आंध्र प्रदेश को मिलना चाहिए। देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को 14th फाइनेंस कमीशन के बाद बिल्कुल बंद कर दिया था। कारण ये था कि यहाँ पर जो डिवोल्यूशन था पैसों का वो 42% हो गया था, 32% से अगर हम लोग 14th फाइनेंस कमीशन और 13th फाइनेंस कमीशन को आपस में कंपेयर करें। तो इस वजह से देखा गया था कि अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की ज़रूरत नहीं है। बट उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल असिस्टेंस देना धीरे धीरे चालू कर दिया था, उसके अंदर कुछ पैसे आंध्र प्रदेश को भी दिए गए थे।
यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये आता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में बार बार डिमांड करती हैं। डिमांड का कारण ये है कि जब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे देने लगती हैं उन स्टेट्स को, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होने के जो कार्य होते हैं वो हमें इम्प्रूव होते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे YS जगनमोहन रेड्डी जी ने ये भी बोला कि अभी अभी बीजेपी के पास फुल मैंडेट है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बीजेपी को फोर्स नहीं कर सकते, बट बार बार वो रिक्वेस्ट करते रहेंगे। आफ्टर गेटिंग सम बट ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मिस्टर जगन ने यहाँ पर बोला कि ही कुड ओनली रिक्वेस्ट, वो डिमांड या कमांड नहीं कर सकते, पर यहाँ पर लाइफलाइन चाहिए उनको एटलीस्ट आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश इज 2.58 लाख करोड़ डेट रिडन स्टेट। यहाँ पे बोला गया कि जो जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है आंध्र प्रदेश के लिए, उनको फंड चाहिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी तरफ से ये बोला कि उनको फंड दिया जाएगा बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज ऑफ नहीं दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें आंध्र प्रदेश की तो बहुत ही ज़्यादा डेट बढ़ता जा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है। इट वॉज एट 97,000 करोड़ एट द टाइम ऑफ बाइफर्केशन, जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हमें अलग होता हुआ नज़र आया था 2014 में, और पिछले 5 सालों के अंदर वो जो यहाँ पर डेट है वो हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो इंटरेस्ट रीपेमेंट है वो ही 20,000 करोड़ पर एनम की है आंध्र प्रदेश के ऊपर, जो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 40,000 करोड़ पर एनम के आसपास का है। पेज नंबर 2 पे खबर आपको मिलती है, एमिड ग्रीन नॉट ब्लेम गेम, अ माउंटेन राइजेज इन भंडवारी। तो यहाँ पे भंडवारी लैंडफिल साइट के बारे में बात हो रही है जो कि गुरुग्राम फरीदाबाद रोड के ऊपर पड़ता है, उसके ऊपर हम लोगों को आग लगती हुई नजर आई थी 2013 के अंदर। उसके बाद वहाँ पे जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है वो शट डाउन हो गया था, उसको बंद कर दिया गया था, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे बातें की गई हैं। बात की गई कि अराउंड 2,000 टन्स ऑफ अनट्रीटेड सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट हैज़ बीन डम्प्ड एट दिस साइट डेली फॉर द पास्ट 6 ईयर्स। पिछले 6 सालों में लगातार हम लोगों को 2,000 टन अनट्रीटेड सॉलिड म्यूनिसिपल वेस्ट डंप होता हुआ नजर आया है। जो लैंडफिल है वो 35 लाख टन्स की हो गई है ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट। यहाँ पे जो इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एजेंसी जिसको हायर किया गया था 2017 के अंदर वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ हैंडल सिर्फ 500 टन्स पर डे कर पाती है, मतलब 1500 टन्स पर डे वो हैंडल कर ही नहीं पाती है। तो यहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को प्रपोज किया गया था जो कि भंडवारी विलेज के अंदर होगा। वेस्ट प्रोसेसिंग यहाँ पे 1800 टन पर डे की जाएगी, एनर्जी जनरेशन होगी उससे 25 मेगावाट की, और लैंड एरिया यहाँ पे 30.5 एकर्स का प्रोवाइड किया जाएगा। इसी आर्टिकल में हम लोगों को कुछ सेलियंट फीचर भी देखने को मिले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2016 के। यहाँ पे ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई कि वेस्ट जनरेटर्स की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। हर जो वेस्ट जनरेटर होता है उसको सेग्रीगेट करना है और स्टोर करना है वेस्ट जनरेटेड को इन 3 सेपरेट स्ट्रीम्स, जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं या डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट हैं, उनको अलग अलग डस्टबिन्स के अंदर स्टोर करना है। देखो ये रहा ग्रीन ब्लू और ब्लैक वाले डस्टबिन्स में। यहाँ पर जो वेस्ट पिकर्स हैं उनको ऑथोराइज करना है कि वो सेग्रीगेट करेंगे वेस्ट को, उनको रैप किया जाएगा सिक्योरली, और यूज सैनिटरी वेस्ट सच एज डाइपर्स सैनिटरी पैड्स, उनको पाउचेस के अंदर पैक किया जाएगा जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही यहाँ पे सेपरेटली स्टोर किया जाएगा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोशन वेस्ट को, जो कंस्ट्रक्शन होती है तो उसमें वेस्ट निकलता है ना, मलबा निकलता है, उसको अलग से किया जाएगा, उनको डिस्पोज किया जाएगा एज पर द कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट टूल ऑफ 2016। कोई भी जो वेस्ट जनरेटर होगा इट शैल थ्रो बर्न बरी सॉलिड वेस्ट ऑन स्ट्रीट या ओपन पब्लिक स्पेस के अंदर, वो बिल्कुल भी थ्रो नहीं कर सकते किसी भी वेस्ट को। और यहाँ पे जितने भी वेस्ट जनरेटर होंगे दे शैल पे अ यूज़र फी फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पर इनमें से मैक्सिमम चीज़ों को फॉलो नहीं किया जा रहा है, चाहे वो पूरे हमारे भारत के किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में हम लोग बात करें। आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज़ आपके लिए, पेज नंबर 4 खबर आपको मिलती है, निवहांस बैटरी कैन असेस डिसेबिलिटीज सेज गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं उनको आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बैटरी द्वारा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी मदद से डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी को मेजर किया जा सकता है।
बेसिकली यहाँ पे जो केस था, एक पर्सन ने यहाँ पे क्लेम किया कि कोई भी क्राइटेरिया, कोई भी मेथड फिक्स्ड मेथड नहीं है जिसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी डिटरमाइन की जा सके। उसी के रिप्लाई में सेंटर ने बताया कि जो न्यूमैन्स बैटरी है वो एक प्रिस्क्राइब्ड डायग्नोस्टिक टूल है जिसके थ्रू हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं, और अगर कोई भी टेस्ट यहाँ पर पॉजिटिव आता है अकॉर्डिंग टू दिस बैटरी तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे 40% डिसेबिलिटी है, और उसके बाद ही वुड बी एलिजिबल फॉर ऑल अटेंडेंट बेनिफिट्स जो कि डिसेबल्ड लोगों को मिलते हैं, दिव्यांगजन को मिलते हैं। पेज नंबर 6 पे आपको एक और खबर मिलती है, फार्मर्स वांट प्लान टू प्रक्योर ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स एट MSP। बात हुई यहाँ पे हरियाणा के बारे में। हरियाणा के अंदर हम लोगों को जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो ये प्लान कर रही है कि किसी तरीके से डिस्करेज किया जाए कि हरियाणा के फार्मर्स ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करें और पानी का कम से कम प्रयोग करें। तो जो हरियाणा की सरकार है वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पैडी क्रॉप्स हैं, जो राइस क्रॉप्स हैं, उनका जो इस्तेमाल करना, उनको ग्रो करना कहीं ना कहीं कम कर दिया जाए, जो कि कहीं ना कहीं स्टेट के ग्राउंड वाटर लेवल को हार्म कर रहा है। फार्मर्स का कहना है कि वो तैयार हैं ये सब काम करने के लिए, बट वो जो भी ऑल्टरनेटिव क्रॉप यहाँ पर उगाएं उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पर सरकार डिक्लेयर करे, और यहाँ पे जो फार्मर्स होंगे वो रिसीविंग एंड पे ना हो, उनका फ़ायदा हो, और यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गवर्नमेंट एजेंसीज उन चीज़ों को प्रक्योर करें, इन सब चीज़ों की गारंटी उनको मिलनी चाहिए। वाटर डिप्लीशन हरियाणा के अंदर हम लोगों को हम गिरता हुआ नज़र आ रहा है, 60 डार्क जोन्स के अंदर जिनमें से 21 क्रिटिकल जोन्स हैं 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो गवर्नमेंट है वो पानी की बचत करना चाहती है, और यहाँ पर गवर्नमेंट ग्राउंड रियलिटीज से अवेयर नहीं है, इस चीज़ को बोला गया है भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा चीफ ने। उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट चाहती है कि फार्मर्स राइस कल्टीवेशन छोड़ दें, पर यहाँ पर वो जब तक कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं लाएंगे, एक ऑल्टरनेटिव क्रॉप के लिए एक MSP का मैकेनिज्म, उनको प्रोक्योर करने का मैकेनिज्म, छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फार्मर्स तभी तो छोड़ेंगे जब दूसरी क्रॉप में उनको यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ नज़र आएगा, जब उनको मंडियों में फ़ायदा पहुँचता हुआ नज़र आएगा। हरियाणा के अंदर इस नए स्कीम के अंदर जो आइडेंटिफाइड फार्मर्स होंगे दे विल बी प्रोवाइडेड सीड फ्री ऑफ कॉस्ट, और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा 2,000 रुपये पर एकड़ का दो पार्ट के अंदर। और ख़ासकर वहाँ पे बात की जा रही है कि मेज क्रॉप यहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो ग्रो करें। आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 8 पे आपको एक और खबर मिलती है, एंड नाउ आइस्पा फॉर बेबीज़ इन हैदराबाद। तो जो बेबीज़ हैं ये उनके लिए खुशी वाली खबर है, आप देख सकते हो बेबीज़ के लिए भी आ गए हैं स्पा, तो जो न्यू बॉर्न्स हैं उनके लिए भी एक रिलैक्स वाला टाइम होना चाहिए, और इसके लिए एक स्पा बनाया गया हैदराबाद के अंदर। ये सब चीज़ें बाहर के देशों में पहले ही होती थी, अब ये इंडिया में भी आने लगी हैं। बिकॉज वाइल वी मे हैव थॉट बींग बेबी इज अनईजी, हम लोग सोचते हैं कि बेबी होना आसान होता है, ओके, पर बेबी जो पूरे दिन इतनी मेहनत करते हैं, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, वो भी थक जाते हैं, ओके, उनका भी जो यहाँ पे नापी चेंजिंग, फीडिंग, पूपिंग, क्राइंग, वो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब होती है, इसको रिसर्चेस ने बताया है। तो बेबीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स किया जा सके इसलिए बेबी स्पा को ओपन किया गया हैदराबाद के अंदर। जो बेबी यहाँ पे विजिट करेंगे उनको हाइड्रोथेरेपी दी जाएगी, जहाँ पे उनको फ्लोट कराया जाएगा पानी के अंदर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल डाउट नट शेप्ड फ्लोटिंग डिवाइस अराउंड देयर नेक। आप देख सकते हो किस तरीके का यहाँ पे डिवाइस है। उसके बाद इनकी इन्फेंट मसाज भी होती है, दैट इज़ अराउंड 4,000 रुपीज़ फॉर एन आर सेशन। ओके, थोड़ा महंगा है, ओके, बट यहाँ पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि इतना महंगा ना हो, थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए। मूविंग ऑन, पेज नंबर 8 पे आपको एक और खबर मिलती है, सेलेशियल वेडिंग गेट्स मोर रियल। तो कुछ शादियों के बारे में यहाँ पे बात हो जा रही है, पद्मावती परन्नयम के बारे में। ये एक सेलेशियल वेडिंग है लॉर्ड श्रीनिवास की विद प्रिंसेस पद्मावती। इन चीज़ों को अभी तक लोग किताबों में पढ़ते थे, किताबों में देखते थे, बट अब यहाँ पे इनको ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस के थ्रू यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। जो टेक्नोलॉजी है वो सुपर इम्प्यूज करती है कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को ऑन द यूजर्स व्यू ऑफ द रियल वर्ल्ड। ऐसा लगता है कि वो शादी बिल्कुल सामने ही हो रही है।
अपार्ट फ्रॉम द दर्शन, जो पिलग्रीम्स हैं दे विल नाउ बी एबल टू व्यू द डिजिटाइज्ड वेडिंग, उनमें वेडिंग देखने को मिलेगी अपने अराउंड। पद्मावती परिनयाम है, इट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। दे आर 30 स्क्रीन्स जो कि नरेट कर रहे हैं एपिसोड्स को पद्मावती परिनयाम के, विद द नोटेड प्लेबैक सिंगर एस पी बला सुब्रमण्यम प्रोवाइडिंग द वॉइस ओवर फॉर दिस पर्टिकुलर वेडिंग। पेज नंबर 8 पे आपको एक और खबर मिलती है, कल्याण लक्ष्मी एंड शादी मुबारक सीन एज पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम। दो स्कीम्स के ऊपर यहाँ पर स्टडी की गई, स्कूल ऑफ जनरल स्टडीज, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हैदराबाद द्वारा, जहाँ पर उन्होंने एक स्टडी की कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं और जो नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो किस तरीके से एलिवेशन स्कीम्स को अप्लाई कर रही हैं। एक्सप्लोर किया गया यहाँ पे कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम को, ओके, जो कि तेलंगाना के अंदर है, और एक स्कीम है चंद्राना पिल्ली कनुका जो कि आंध्र प्रदेश की स्कीम है। जो रिपोर्ट है उसके उसके टाइटल है कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम एंड चाइल्ड मैरिज इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, इसको रिलीज किया गया है। जो स्टडी है वो फोकस करती है बेसिकली तीन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, जोगुलम्बा गढ़वाल जो कि तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है, और कृष्णा और अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के। यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया कि जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर होता है क्या उसमें पोटेंशियल है कि जो एज ऑफ मैरिज है उसको डिले कर सकती है। यहाँ पे जो पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसका एक बड़ा मकसद ये है कि जो चाइल्ड मैरिज होती है, खासकर जो लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी हो जाती है, उसको डिले किया जा सके। क्या उन चीज़ों में सफल रही है, क्या जेंडर इनइक्वलिटी को ख़त्म करने में सफल रही है, क्या जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उन्हें कम करने में सफल रही है, इनके ऊपर ये पूरी की पूरी स्टडी की गई। जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई उड़ीसा के अंदर, राजस्थान के अंदर, और पूरे देश के अलग अलग स्टेटों ने अलग अलग चीज़ें चालू की हुई हैं। यहाँ पर हमें ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जब तक बेनिफिट नहीं मिल सकता इन सारी की सारी स्कीम्स का, जब तक गर्ल इज़ मैरिड आफ्टर अटेनिंग द लीगली वैलिड एज ऑफ 18 इयर्स, जो फीचर्स हैं इन पर्टिकुलर स्कीम्स के इन दोनों स्टेट्स के अंदर वो कुछ एडिड बेनिफिट्स तो देते ही हैं, उसके साथ साथ जो लीगल प्रोटेक्शन है मैरिज की वो भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही गर्ल्स को जो एजुकेशन मिलती है उनको भी इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो स्कीम्स हैं दे आर पेंटेटेड वेल इनटू द कम्युनिटीज़, ये एक अच्छी बात है कि जो स्कीम्स हैं ये अच्छी तरीके से पहुंच पा रही हैं, बट इनका इम्पैक्ट किस तरीके से होगा उसको अभी हम इनिशियल मैनर में एकदम से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पर हाँ, धीरे धीरे ये जो स्कीम्स हैं लड़कियों की जो शादी की उम्र है उसे डिले कर रही हैं, लड़कियों में एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, इस हिसाब से ये जो स्कीम्स हैं बहुत बेहतर स्कीम्स हैं। पेज नंबर 9 पे आपको एक और खबर मिलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आस्क्ड टू नोटिफाई वैकेंसीज विद इन 100 डेज। सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बोला गया है कि आपके जो फैकल्टी की जो वैकेंसीज हैं उनको आप लोग आगे आने वाले 100 दिन के अंदर अंदर हम लोगों को नोटिफाई करके बताओ, ऐसा बोला मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। करेंटली 5000 पोस्ट अभी भी वैकेंट है 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये वन ऑफ दी की होल्डिंग रहने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ HRD की पहले 100 दिन के प्लान के अंदर। ऑल्सो जो एजेंडा है दैट इज प्रपोज टू गेट कैबिनेट अप्रूवल फॉर 10 मोर इंस्टीट्यूट ऑफ फेमिनेंस, जिसके लिए 7000 करोड़ रुपए एडिशनल हमें खर्च होते हुए नजर आएंगे। जो वैकेंसी सिचुएशन है वो लीगल बैटल में फंस गई थी क्योंकि रिजर्वेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर हायरिंग के अंदर वो हम लोगों को थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आया था। जो रोस्टर वाला जो सिस्टम है उसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें बदल गई थी। एक कंट्रोवर्शियल रूलिंग आई थी 2017 के अप्रैल के अंदर, जहां पे अलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो कि मैंडेट करता था दैट द यूनिट फॉर डिटरमेंटल रिजर्वेशन वाज द यूनिवर्सिटी एज अ होल। यूनिवर्सिटी एज अ होल होता है, सेपरेट डिपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मार्च 2018 के अंदर जो UGC है उसने डायरेक्ट किया इंस्टीट्यूशंस को टू ट्रीट ईच डिपार्टमेंट एज अ सेपरेट यूनिट, कि यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट को एक यूनिट देखी जाए और डिपार्टमेंटल बेसिस पे रिजर्वेशन हो, ना कि एक यूनिवर्सिटी को एक पूरा का पूरा एक यूनिट देखकर उसके बेसिस पे रिजर्वेशन किया जाए। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ऐसे डिपार्टमेंट थे जहाँ पे कोई फैकल्टी की रिजर्वेशन नहीं होती थी, ओके, स्पेशली दलित और आदिवासी कम्युनिटीज़ इसके खिलाफ खड़े होते हुए नजर आए, क्योंकि रोस्टर सिस्टम की वजह से यहाँ पर जो चीज़ें थी वो डिपार्टमेंटल बेसिस पे आ गई, ना कि किसी एक यूनिवर्सिटी बेसिस पे। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस द सेंटर्स अपील अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, गवर्नमेंट ने इशू किया एक ऑर्डिनेंस मार्च 2019 के अंदर, जिससे जो ओल्डर सिस्टम है उसे रिवर्ट किया जा सके।
कुछ और आइटम्स 100 दिन के प्लान के अंदर हैं जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मैंने आपको बताया था कि 1.5 लाख करोड़ रुपीस की यहाँ पर पॉलिसी आने वाली है। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वाला जो प्रोजेक्ट है, जो कि स्कीम हम लोग मेनली लेकर आए थे कि 20 पोटेंशियली वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, विच वुड गिव हायर ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू डिसाइड देयर फीस, कोर्स ड्यूरेशन और स्ट्रक्चर्स। 10 पब्लिक इंस्टीट्यूशन वुड ऑल्सो बी गिवन 1,000 करोड़ ग्रांट, वाइल 10 चूजन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वुड नॉट रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जो एम्पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी है, जिसको हेड किया फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाल स्वामी ने, उन्होंने इनिशियली रिकमेंड किए थे 11 इंस्टीट्यूशन फॉर दिस स्कीम इन जुलाई 2018, जिसमें जियो वाली यूनिवर्सिटी भी थी, आप लोगों को याद होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनली बिस्टो किया था उनमें से 6 इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस वाला टैग। पेज नंबर 9 पे आपको एक और खबर मिलती है, नो नीड टू पे बैक वेजेस इन ऑल केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन सुना है कि जो एम्प्लॉयर है उसको फोर्स नहीं किया जा सकता टू पे द फुल वेजेस बैक टू अ स्टाफ मेंबर, जिसको यहाँ पर क्रिमिनल केस के अंदर एक्विट किया गया है, अनलेस द प्रोसिक्यूशन इटसेल्फ वाज अ मलाफाइडी बाय अ कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रिइटरेट किया है। पेज नंबर 9 पे एक और खबर मिलती है, ICMR हेड विंस डॉक्टर ली जोंग वुक प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ। डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च प्रोफेसर बलराम भार्गवा को मिला है डॉक्टर ली जोंग वुक मेमोरियल प्राइज फॉर पब्लिक हेल्थ 72nd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के अंदर, जो कि जेनेवा के अंदर चल रही थी। ही बैग द अवार्ड फॉर हिज अचीवमेंट एज अ क्लिनिकल इनोवेटर, रिसर्चर एंड ट्रेनर। उन्होंने बोला कि जब वो काम करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए, किसी भी पेशेंट के साथ, वो इस चीज़ को सोचते हैं कि वो साइंस को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं कि पेशेंट की सफरिंग कम हो जाए, जो कि इनके सारे के सारे काम को एक मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी जो भी काम कर रहे हो, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, जो भी काम करो उसको एक मीनिंग के साथ करो। ऑन द सिचुएशन इन इंडिया, उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, बट हम लोगों को उसके ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान देना है। इनका कहना है ही वुड नेवर विश टू वर्क इन अ प्लेस लाइक दैट। आई डिड नॉट स्टडी मेडिसिन टू मेक मनी, आई डिड इट टू हेल्प द पीपल। इंडियंस डू नॉट नीड टू गो अब्रॉड फॉर द ट्रीटमेंट, वी हैव द हेल्थ सॉल्यूशन हियर। क्यों इंडियंस यहाँ पर बाहर जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, जब सारे के सारे ट्रीटमेंट हमारे देश में ही उपलब्ध हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष्मान भारत प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बोला कि द होल वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया। बहुत सारी कंट्रीज ये देख रही हैं कि इंडिया किस तरीके से डिलीवर करेगा इतनी बड़ी स्कीम को, कि ये जो प्रोग्राम है वो कोई पैराडाइम शिफ्ट लेकर भी आएंगे या नहीं आएंगे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर। तो एक डॉक्टर ट्रीट करता है एक पेशेंट को एक समय पर, बट एक जो रिसर्चर्स होता है वो एक बड़े ग्रुप को ट्रीट करता है, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। पेज नंबर 14 पे आप लोगों को खबर मिलती है, इजरायली प्रेसिडेंट शाउट ओवर वार्निंग ऑन केपाह। यहाँ पे केपाह के बारे में बात हो रही है। सबसे पहला सवाल यही है कि केपाह क्या होता है। तो केपाह बेसिकली ट्रेडिशनल कैप होती है, जो कि ज्यू लोग वेयर करते हैं, जो कि ज्यूज होते हैं वो पहनते हैं। तो वो जो कैप है वो आप इतनी स्क्रीन पे भी देख सकते हो राइट हैंड साइड में, कि वो कैप कैसी होती है। यहाँ पर जर्मनी ने वार्निंग दी है कि जो ज्यूज हैं वो जो केपा कैप हैं, जो उनकी ट्रेडिशनल कैप हैं, वो ये हर जगह नहीं पहन सकते। इसी के खिलाफ इजरायली प्रेसिडेंट रेविन रिवलिन ने कहा है दैट जर्मनी इज वार्निंग टू ज्यूज ऑन द डेंजर ऑफ वेयरिंग द ट्रेडिशनल केपा कैप वर अ कैपिटुलेशन ऑफ द एंटी सेमिटिज्म। और ये एविडेंस है कि ज्यूज अनसेफ हैं जर्मनी के अंदर। जर्मनी के गवर्नमेंट कमिश्नर ने यहाँ पर बोला कि एंटी सेमिटिज्म जो है, एंटी सेमिटिज्म से रिलेटेड जो यहाँ पे यहाँ के जो कमिश्नर हैं उनका कहना है कि दैट ही कैन नॉट एडवाइज ज्यूज टू वेयर द केपा एवरीवेयर ऑल द टाइम इन जर्मनी, क्योंकि यहाँ पे एंटी सेमिटिज्म और एंटी ज्यूश अटैक होने का खतरा है, जिससे उनके ऊपर अटैक ना हो, इसीलिए ये सब चीज़ें बोली जा रही हैं। बट यहाँ पर अगर किसी के रिलीजियस कैप पहनने की वजह से उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, क्योंकि सबके पास अधिकार है अपने मन मर्जी के रिलीजन को फॉलो करने का, रिलीजियस वैल्यूज़ को यहाँ पर सबके सामने रखने का। एंड दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ
इनटॉलरेंस, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को समझना चाहिए। हम लोग ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं, हम किसी के धर्म के ऊपर सवाल नहीं कर सकते। पेज नंबर 15 इकोनॉमी वाला पेज है, खबर आपको मिलती है नो विंड नो सन ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन अ लिम्बो। थोड़ा सा लंबा ये आर्टिकल है, तो इसको हम लोग उसी तरीके से डिस्कशन मिलेंगे। तो जब ये बीजेपी की सरकार 2014 के अंदर आई थी, तो इंडियन सोलर इंडस्ट्री जो थी वो टेंटर हुक के अंदर थी, फंसी हुई थी बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिकमेंड किया कि हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाएंगे ₹6 और ₹47 के बीच में सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर, जो कि चाइना, मलेशिया, ताइवान और यूएस से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। ये हम लोगों ने क्यों लगाए, कारण क्या था, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको थोड़ा सा बूस्ट मिल सके, डोमेस्टिक मार्केट हमारी और भी ज़्यादा बेहतर हो सके, इसलिए हम लोगों ने लगाया। बट फिर भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं नजर आया। जो सोलर पावर है, इट हैड बेयरली बिगन टू टेक रूट्स इन इंडिया एंड द कंट्री हैड टोटल इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी ऑफ 2,632 मेगावाट। जो इंडस्ट्री है वो आगे बढ़ रही है, बट बहुत ही छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स ले रही है विद द एड ऑफ चीप एंड इम्पोर्टेड मॉड्यूल्स। एंटी डंपिंग ड्यूटीज कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव भी रही हैं। यहाँ पे हमारे देश में वो चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रही हैं और बाहर से चीज़ें कम आ रही हैं, तो चीप इम्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उनको क्रश कर दिया गया है। तो यहाँ पे उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मिलना था। जो सनराइज इंडस्ट्री है उसको जितना आगे बढ़ना चाहिए था उतनी वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। जो नई सरकार है उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चॉइस ली है, जो अभी हम लोगों ने सरकार बनाई उसने नई चॉइस ली है कि देयर विल बी नो एंटी डंपिंग ड्यूटीज, जिससे यहाँ पर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका जो प्रोडक्ट्स होंगे उनको गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज खरीदेंगी, पर यहाँ पर आज की डेट में एंटी डंपिंग ड्यूटीज कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर सेक्टर को ही नुकसान पहुँचा रही हैं। गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को यहाँ पर जिस तरीके से देख रही है वो एक कॉन्फिडेंस को एंडेंजर कर रही है यहाँ पे लोगों के। गवर्नमेंट के जो टारगेट हैं कि गवर्नमेंट एम्बिशियस 175 गीगावाट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगी, 100 गीगावाट फॉर सोलर, 60 गीगावाट फॉर विंड और बाकी सारे हम लोग बायोमास सोलर हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनाएंगे, जिसको हमें 2022 तक मीट करना है। अभी हम लोग देखें तो सोलर टारगेट्स हैं दैट वाज 5 times दैट सेट अर्लियर बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट। जी कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट भी क्रिएट कर रहा है बिजनेस इंडस्ट्रीज के अंदर। यहाँ पर अब लोग कह रहे हैं कि शायद आपका जो टेन्योर होगा वो अच्छे दिन लेकर आएगा सनराइज इंडस्ट्री के लिए। नाउ गवर्नमेंट हैज नॉट हैड द लॉन्ग टर्म विजन, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि किस तरीके से हम लोग इमर्जिंग एरियाज को डील करेंगे। उनको हमको करना चाहिए कि ओशियन एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास है, स्मॉल हाइड्रो है, उनको हम लोग किस तरीके से मैनेज करेंगे। और क्या किया है पिछले 5 सालों में मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने, और आगे आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। जो टैरिफ्स हैं उनको कम करना है के तो सिंगल माइंडेड परस्यू के ऊपर हम लोगों को क्या आगे बढ़ना है, जिसको हम लोगों ने मिस कर दिया है। तो इवन द डिप्रेशन ऑफ टैरिफ विच हैज़ बेनिफिटेड ओनली द डिस्कॉम्स एंड नॉट द कंज्यूमर्स। यहाँ पे जो टैरिफ्स के अंदर जो हमें डिप्रेशन देखने को मिला वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कॉम कंपनी को फ़ायदा पहुँचाया, उन्होंने कंज्यूमर्स को फ़ायदा नहीं पहुँचाया है, क्योंकि कंज्यूमर्स को अभी भी यहाँ पर बड़ी कॉस्ट में मिलती है बिजली। 2014 के बाद इंडिया ने ऐड किए 28,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर, 14,500 मेगावाट ऑफ विंड पावर, और आज इंडिया हैज 30,600 मेगावाट ऑफ सोलर पावर कैपेसिटी एंड 35,600 मेगावाट ऑफ विंड पावर कैपेसिटी। नाउ एज फॉर विंड, अगर हम लोग बात करें 2016-2017 के बीच में न्यू कैपेसिटी एडिशन हुआ, जो कि रिकॉर्ड किया गया 5,500 मेगावाट, जो कि अभी तक रिकॉर्ड था। एनर्जी कंजम्पशन भी हमें बढ़ता हुआ नजर आया, बट जो इंसेंटिव थे वो एक्सपायर हो गए। इफ यू डिस्काउंट दैट ईयर, जो अचीवमेंट थी इट इज नथिंग मच टू राइट होम अबाउट। तो यहाँ पर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, खासकर सोलर के ऊपर, जो कि यहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटीज फेस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी, GST रेट्स, फॉलिंग रुपीज। जो विंड इंस्टॉलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं लैंड प्रॉब्लम से जूझ रही हैं गुजरात के अंदर और जो विंड इंटेंसिव स्टेट्स हैं उनके अंदर। अप्रैल 2018 के अंदर अ कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू सेट अप 1 गीगावाट ऑफ ऑफशोर विंड ऑफ कोस्टल कोस्ट ड्रू ओवरवेलमिंग इंटरेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ग्लोबल प्लेयर्स। पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अनाउंस किए उसके बाद कुछ बड़े एम्बिशियस टारगेट कि 5 गीगावाट ऐड करेंगे बाय 2022, 30 गीगावाट बाय 2030। और गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज ने यहाँ पर बताया कि एक्सपोर्ट्स ने लॉट किया है इंडिया के एम्बिशियस ऑफशोर विंड टारगेट्स को।
पर यहाँ पे उनको ऑप्टिमिस्ट भी बताया गया था। अक्टूबर के अंदर हम लोग री इन्वेस्ट लेकर आए थे, जो कि एक इवेंट था एमएनआरई का, जो कि एक हमें सफल इवेंट होता हुआ नज़र आया था। बट इन चीज़ों को अच्छी तरीके से ग्राउंड लेवल पे कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा? टेंडर अभी भी आना बाकी है, आप लोगों ने यहाँ पे अनाउंस कर दिया, बट उनके लिए टेंडर कब आएगा, कब वो ग्राउंड लेवल पर पहुँचेंगे? हम लोग यहाँ पे सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स के बारे में बात करते हैं, जिनकी पोटेंशियल आज भी बहुत कम रही है। फरवरी 2019 के अंदर गवर्नमेंट केम आउट विद अ स्कीम टू गेट सच पंप्स फॉर द फार्मर्स, पर यहाँ पर साफ पूरे के पूरे आर्टिकल में बोला गया है कि हम लोग आगे तो बढ़े हैं पर प्रोग्रेस हमारी स्लो रही है, कुछ नीतियाँ हमारी जो पॉजिटिव होनी चाहिए थी वो हमारे लिए नेगेटिव हो गई। जैसे अब हम लोगों ने एंटी डंपिंग ड्यूटी को रिवर्ट कर दिया है। पेज नंबर 22 आप लोगों को खबर मिलती है, सी वाटर फ्रॉम आइस एज टग्ड इन रॉक डिस्कवर्ड इन इंडियन ओशन। इन अ फर्स्ट, साइंटिस्ट ने यहाँ पर डिस्कवर किया है यहाँ पे सी वाटर के कुछ रेमिनेंट जो कि आइस एज से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे जो शिप है जिसका नाम है जॉर्डिस रिवोल्यूशन, उसको स्पेसिफिकली बनाया ही इसीलिए गया है फॉर द ओशन साइंसेस। उनको इक्विप किया गया है ड्रिल के साथ जो कि यहाँ पे रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं, ओके, सी फ्लोर से रॉक्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं। इससे पहले अभी तक हम लोगों के पास जो आइस एज से रिलेटेड जो सी वाटर था उसको हम लोग कुछ इनडायरेक्ट क्लू से लेते थे, जैसे फॉसिल कोराल से, केमिकल सिग्नेचर्स से, जो हम लोग को सेडिमेंट से मिलते थे। बट ये पहली बार के है कि हम लोगों को इस तरीके का रॉक मिला है जिसके अंदर आइस एज का सी वाटर डायरेक्टली मौजूद है। तो इसके ऊपर जो रिसर्चेस हैं वो अभी चालू की जाएंगी। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थीं, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। आज जो चीज़ें एक्सप्लेन करी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप करना भी बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।